हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हैप्पी संडे। तो आज मेरा ब्लॉग शुरू होता है किचन से, और कल क्या क्या हुआ वो मैं सबको अभी बताती हूँ। चलिए चलते हैं किचन की ओर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे है, सुबह से ही काम शुरू हो चुका है मेरा, और मैं थोड़ा आज लेट उठी हूँ, और बच्चे अभी भी सोए पड़े हैं। और बच्चों ने कल ही बोल के रखा था कि मम्मी मेरे लिए पास्ता बना के रखना, तो मैंने पास्ता की भी अपनी तैयारी करके रखी हुई है बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, कल मेरे यहाँ एक और बुरा काम हुआ कि मेरा सबमर्सिबल पंप ख़राब हो गया, वो लोड नहीं ले रहा था। तो कल सारा दिन पानी की बहुत प्रॉब्लम हुई, तो हम लोगों ने पड़ोसियों से पानी मांगा। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि कैसे सब घर बिखरा हुआ है, और बाहर सब पानी की बाल्टियां हम लोगों ने रख रखी, जितनी भी घर के सारी बाल्टियां टब थे सब भर लिया गया है। और ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ बिल्कुल नहीं मिलती है तब उसकी वैल्यू पता चलती है। कल पानी बिल्कुल नहीं मिला, तो हम लोगों को पानी की वैल्यू पता चली। तो छोटी से छोटी बाल्टी और बड़े से बड़ा टब सब कुछ हम लोगों ने भर के रख लिया। चलिए हम आपको बाहर भी दिखा देते हैं। शाम को खैर हम लोगों ने बुलवा लिए थे ठीक करने वाले, तो कल शाम को जाके उन लोगों ने ठीक किया है। तो अभी बहुत बालू आ रही है पानी में, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे मैंने कितना सारा पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, देखिए मेरा बेटा आदि मच्छरदानी में सोया पड़ा है। आज संडे है तो ये देर में उठेगा, आज गौरी भी थोड़ा लेट उठेगी। देखिए यहाँ पर कितनी बालू हो गई है, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बालू हो गई है। ये दोबारा पाइपलाइन को डिस्टर्ब जो किया है उसकी वजह से बहुत बालू निकल रही है, और कल रात से कंटिन्यूसली पानी चालू है, बट फिर भी अभी बालू आ रही है इसमें। देखिए कल मैंने कितना सारे टब में पानी, पड़ोसियों ने पानी दिया था, हेल्प की थी हम लोगों की, तो बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो इतना सारा पानी का कलेक्शन करके रख लिया है हम लोगों ने। ये दो बाल्टी का पानी मैंने यूज़ कर लिया है, और इधर एक ब्लैक टंकी में भी पानी रखा हुआ है, देखिए इसमें भी भर के रख लिया है। इन्हीं सब से झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कर लिया जाएगा, और पानी व्यर्थ में बह रहा है, और पानी बहुत अमूल्य है, तो मैंने सोचा है आज इसी पानी से अपनी स्कूटी भी साफ़ कर लूँगी। चलिए गाइस देख लेते हैं गेट के बाहर का क्या नज़ारा है, यहाँ पर भी बहुत बालू है। देखिए इधर पानी का प्रेशर, ये पानी निकल रहा है। कल बहुत ही प्रॉब्लम हुई हम लोगों को, जिस दिन पानी ना हो घर में उस दिन पानी की वैल्यू पता चलती है। तो फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी पास्ता, कुछ इस टाइप का है, कुछ ये वाला, और मैक्रोनी, दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। और इधर मैंने हरी मिर्च ले ली है, टमाटे भी रख लिए हैं, धनिया काट के रख ली है। अभी मुझे इसे थोड़ा सा बॉयल करना है, फिर मैं इसे बनाऊँगी। बच्चों को यही सब ज़्यादा पसंद है, डेली तो वो स्कूल जाते हैं, तो मैं अपनी मर्ज़ी का रखती हूँ, कभी पराठा सब्जी, कभी बेसन का चीला, कभी सूजी का चीला, कभी सैंडविच। लेकिन जब संडे होता है तो गौरी एक दिन पहले ही मुझे बता देती है कि कल मम्मी ये बना लेना, क्योंकि वो सोचती है कि मैं देर तक सोती रहूँगी और मम्मी फिर से अपने मन का कुछ बना लेंगी, तो इसलिए वो पहले से ही अलर्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैं आज पास्ता बना रही हूँ। फ्रेंड्स मैक्रोनी मैंने कुकर में उबलने के लिए रख दी है, बस थोड़ी सी उबालूंगी। और इधर मैंने चाय बनने रख दी है, मेरे यहाँ सर्दी में चाय बहुत पीते हैं, मेरे यहाँ क्या खैर सभी के यहाँ सर्दियों में तो चाय बहुत पी जाती है, लेकिन मेरे यहाँ इतनी ज़्यादा पीते हैं कि बस एक बार बना के देते हैं और थोड़ी देर बाद बोलने लगते हैं चाय नहीं पी बहुत देर से। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ बनती ही रहती है बस चाय, ये भगोना थोड़ी थोड़ी देर में चढ़ता ही रहता है बस।
फ्रेंड्स पास्ता मेरा बन गया है और इधर मैंने परस के रखा हुआ है, आइए आप लोग भी खाइए। तो फ्रेंड्स गौरी उठ गई हैं और गौरी ने ब्रश ब्रश करके अपनी मैक्रोनी पर आक्रमण कर दिया है। इनकी शुरू हो गई है, तो मम्मी मेरी सारी बात मानेंगी। अच्छा इसके अलावा भी और आपकी फरमाइशें होंगी क्या दिन भर? और सारे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे मेरी तरफ से भी। सब लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, सब लोग आप खूब सारी डिमांड करिए अपने मम्मी पापा। देखो सारे बच्चों को बिगाड़ रही है गौरी, कह रही है सब लोग डिमांड करो। आदि भी उठ गए हैं। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय करो गौरी, बाय बाय। ओके फ्रेंड्स बाय बाय।